हम आदिशक्ति जगदम्बे माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिंह वाहिनी शक्ति स्वरूप को शीश झुकाते हैं, हाजी शीश झुकाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शक्ति की महिमा अपरंपार, दुर्गा माँ की महिमा गाता है सारा संसार। जब जब पाप बड़ा जग में मैया ने लिया अवतार, भक्तों के लिए दुर्गा ने दुष्टों का किया संहार। माँ के क्रोध से कोई पापी कभी न बच पाया, अपने भक्तों पर रहती है माँ की सदा ही छाया। धूम्र विलोचन चंड मुंड और शुंभ निशुंभ को मारा, महिषासुर को मार के माने देवों को है तारा। महिषासुर मर्दिनी माँ को शीश झुकाते हैं, हाजी शीश झुकाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रंभासुर का एक पुत्र महिषासुर जिसका नाम, अपनी शक्ति पर था जिसको भक्तों बड़ा अभिमान। महिषी और पुरुष के मिलन से इसका जन्म हुआ था, इसीलिए तो इसका महिषासुर ही नाम पड़ा था। अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा की करी तपस्या, ब्रह्मा जी ने खुश हो करके दर्शन इसे दिया था। क्या वर चाहिए महिषासुर से ब्रह्मा जी ने बोला, अमर होने का ब्रह्मा जी से वर इसने था मांगा। ब्रह्मा जी महिषासुर को ऐसे समझाते हैं, हाँ ऐसे समझाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नहीं दे सकता, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित होता। कोई दूसरा वर मांगो, तब ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर महिषासुर ने सोचा, देव असुर मानव कोई भी मुझको मार न पाए, चाहे तो मेरी मृत्यु किसी नारी से हो जाए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दे दिया वरदान, महिषासुर को वर पाके ये हो गया अभिमान।
अहम के मद में महिषासुर अब चूर हो जाते हैं, वो तो चूर हो जाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महिषासुर बन गया दैत्यों का राजा, अपनी सेना के बल पर चहुं ओर ही कहर मचाया। पाताल लोक और मृत्यु लोक में भी अधिकार जमाया, स्वर्ग लोक से देवों को उसने है मार भगाया। विष्णु जी और शिव जी ने भी उससे युद्ध किया था, लेकिन युद्ध में महिषासुर को कोई हरा नहीं पाया। अपने वर की बात सभी को ब्रह्मा जी बतलाए, केवल एक नारी ही दैत्य महिषासुर को हराए। ब्रह्मा जी सबको इसका उपाय बताते हैं, हाँ वो उपाय बताते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के साथ सभी देवों ने प्रार्थना की, सबने मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के तन से दिव्य ज्योति निकली, देवों की ये दिव्य ज्योति देवी के रूप बदली। यही देवी भक्तों तब दुर्गा मैया कहलाई, देवताओं ने मिलकर दुर्गा माँ की महिमा गाई। हाथ जोड़कर देवताओं ने माँ को किया नमन, अपने अपने अस्त्र शस्त्र माता को किए अर्पण। हिमवान माता को सिंह सवारी देते हैं, हाँ वो सवारी देते हैं। माता दुर्गा की आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देवों की स्तुति से माँ हो गई प्रसन्न, महिषासुर से मुक्ति का माँ ने दिया आश्वासन। सिंह पे चढ़कर शेरों वाली माँ दुर्गा आई, क्रोध में भरकर भगवती माँ ने एक हुंकार लगाई। महिषासुर की सेना के संग माँ का हुआ संग्राम, दुर्गा माँ ने सारी सेना का किया काम तमाम। एक एक करके माँ ने सारी सेना को मारा, अंत में महामाई ने महिषासुर को ललकारा। माँ के नाम से बड़े बड़े पापी डर जाते हैं, पापी भी डर जाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
दुर्गा माँ का महिषासुर के साथ में युद्ध हुआ था। 9 दिन तक माता के साथ में इसका युद्ध चला था। 10वें दिन मैया ने अपना दिव्य चक्र चलाया। अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट गिराया। महिषासुर का वध करने वाली की हुई जयकार। इसीलिए महिषासुर मर्दिन कहता इन्हें संसार। महिषासुर के भय से देवों को है मुक्त कराया। सभी देवों ने खुशी से मैया का उद्घोष लगाया। माँ की कृपा से देवों के शुभ दिन आते हैं। हाँ जी शुभ दिन आते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। शुंभ नामक दैत्यों ने आतंक खूब मचाया। सब देवों को भगा के स्वर्ग पे अपना राज्य जमाया। जाके हिमालय पर देवों ने माँ की करी स्तुति। अपनी रक्षा की खातिर माता से प्रार्थना की। पार्वती के तन से देवी मैया प्रकटी थी। इस देवी का नाम भक्तों पड़ा था कौशिकी। शुंभ निशुंभ के दूतों ने कौशिकी को जब देखा। माँ की सुंदरता का वर्णन शुंभ निशुंभ से बोला। माँ की सुंदरता का वर्णन दूत बताते हैं। हाँ जी दूत बताते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। शुंभ को जाकर के दूतों ने बताई बात। ऐसी सुंदर नारी तीनों लोकों में नहीं है नाथ। आप अति बलवान हैं और तीनों लोकों के स्वामी। धन दौलत की कमी नहीं और पास ऐरावत हाथी। आपका वैभव तीन लोक में और अधिक बढ़ जाए। अगर वो सुंदर नारी आपकी रानी ही बन जाए। ऐसा सुनकर शुंभ ने अपने दूत को बोला। अपने विवाह का प्रस्ताव उसने कौशिकी माँ को भेजा। शुंभ के दूत मैया के पास में जाते हैं। हाँ जी पास में जाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। शुंभ की बातें सारी माता को बतलाई। सारी बातें सुनकर दूत से कहती है महामाई। मेरे साथ जो युद्ध करे और युद्ध में मुझे हराए
उस बलशाली महावीर से मेरा विवाह हो पाए। कौशिक की बातें दूत ने आके इन्हें बताई। दूत की बातें सुनकर क्रोध में आ गए दोनों भाई। तभी उन्होंने चंड मुंड दो दैत्यों को बुलवाया। केश पकड़ कर उसके लाओ दोनों को समझाया। चंड मुंड दोनों ही मैया के पास में जाते हैं। हाँ वो पास में जाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। माता को ले जाने दोनों चंड मुंड तब आए। माता ने इनकार किया तो अपना बल दिखलाए। तब माता ने ललाट से काली का रूप निकाला। देख के शत्रु थर थर कांपे रूप अति विकराला। एक एक सैनिक को माता ने चुन चुन कर मारा। और अंत में चंड मुंड को मैया ने संघारा। चंड मुंड को मार के मैया चामुंडा कहलाई। सब देवों ने चामुंडा की मिलकर महिमा गाई। दुष्ट अधर्मी मैया से कभी बच नहीं पाते हैं। हाँ कभी बच नहीं पाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। अपनी सारी सेना लेकर शुंभ निशुंभ भी आए। अस्त्र शस्त्र के साथ में माँ चामुंडा से टकराए। क्षण भर में ही मैया ने सेना को मार गिराया। देख दशा सेना की निशुंभ माँ से लड़ने आया। लेकिन माँ का वार निशुंभ बिल्कुल भी सह नहीं पाया। अपने त्रिशूल से मैया ने यमलोक उसे पहुंचाया। अपने भाई को मरा देख अब शुंभ को गुस्सा आया। दुर्गा माता पर उसने अपना प्रहार चलाया। बड़े बड़े बलवान भी मैया से घबराते हैं। मैया से घबराते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। दुर्गा माता और शुंभ में युद्ध हुआ घमासान। काफी समय तक युद्ध हुआ पर निकला ना परिणाम। कभी धरा और कभी गगन में युद्ध लगे मो करने। रौद्र रूप में दुर्गा माता शुंभ पे लगी बरसने। क्रोध में भर कर मैया ने अपना त्रिशूल चलाया। चीर दिशुंभ की छाती माँ ने उसको मार गिराया। शुंभ ने
शुंभ को मार के देवों का किया उद्धार। तीनों लोकों में मैया जी की गूंजी जयकार। सारे देवता मिलकर माँ को शीश झुकाते हैं, हाँ जी शीश झुकाते हैं। माता दुर्गा के आओ भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।